चलो बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.6 का, एनसीईआरटी का। ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में, देख लो साफ साफ एक्स को थीटा के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे वाई को भी थीटा के, कॉस थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी पैरामेट्रिक फॉर्म इसी को कहते हैं, कोई तीसरा एक कॉमन चीज मिल जाए, ना एक्स में कुछ कॉमन हो ना वाई में कोई कॉमन हो, लेकिन एक दोनों में ऐसा कॉमन चीज हो, दोनों को मिला सके, ऐसे फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो अलग अलग सिंपल सा, थीटा के रिस्पेक्ट में पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो और वैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको डीएक्स बाई डी थीटा निकालिए, डीएक्स बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, सिंपल सा। इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में करिए तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा है तो माइनस बी साइन थीटा, क्लियर है, माइनस में हो जाता है। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सो आप फॉर्मूला लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, फिर यही इन टू वाला, ठीक है, क्या लिखोगे, या अपॉन में लिख सकते हो, ठीक है ना, कुछ भी करो, इन टू में लिखो अपॉन में लिखो कोई इशू नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा हमने निकाल रखा है माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा हमने निकाल रखा है माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा दोनों में से कॉमन है और माइनस माइनस दोनों कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो सिंपल सा आपको क्या मिल गया, बी बाई ए, बहुत ही सिंपल है। और क्वेश्चन करते हैं, चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आसान सा क्वेश्चन है ये भी आपके एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन है। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है, और y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। अब हमें लग रहा है कि आपको पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब समझ में आ रहा आ गया होगा कि x और y दोनों इक्वेशन में कहीं एक कोई कॉमन चीज होगी, तो उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, ये नहीं कि उसके बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया कि भाई थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के या साइन थीटा की वैल्यू निकाल के फिर पुट करके और एक्स वाई में इक्वेशन एक सिंगल इक्वेशन बना दो और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो, नहीं, आपको विदाउट एलिमिनेटिंग कह रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलो इसका dx बाई डी थीटा निकाल लो फटाफट। तो इसका जब dx बाई डी थीटा निकालोगे तो cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और फिर cos 2 थीटा का तो ये हो जाएगा cos थीटा का है ना माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे dy बाई डी थीटा निकालिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा, और साइन थीटा का माइनस 2 cos 2 थीटा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला वही लगाइए, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। dy बाई डी थीटा हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन पहले इसको लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, क्या दिक्कत है, 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है ना। चलो ये आपका आंसर हो गया, कुछ और करते हैं। चलो एक एग्जांपल का क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमने आपके लिए पिक कर लिया। कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है, एंड वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन ये भी है, तो ऐसे सिंपली डिफरेंशिएट करिए। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, ए थीटा प्लस साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करिए डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो ए तो कॉमन ही है, ए सब में कॉमन है, थीटा का क्या हो जाएगा वन, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, और साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको रहने दीजिए, तो हो गया। अब आपको यहाँ से निकालना है क्या, वाई का ए वन माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, तो dy बाई डी थीटा निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ समझने है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे थीटा नहीं है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप, तो ये तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा और इसका केवल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a आप बाहर रहने दो, इसका हो गया जीरो माइनस, पहले से ये cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस साइन थीटा हो गया, कुछ नहीं था, यहाँ पे मिल गया आपको a साइन थीटा, क्लियर है क्या। अब आपको निकालना क्या है, dy वाई बाई डी एक्स, सिंपल सा वैल्यू पुट करिए, क्या dy वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्लियर है। डी वाई बाई डी थीटा आपने कितना निकाल रखा है, पहले से ही ए साइन थीटा अपॉन या ए वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसको कुछ करना चाहो तो हो जाएगा, अगर वन प्लस कॉस थीटा को करोगे तो ये क्या हो जाएगा,
और थीटा को साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, क्या दिक्कत क्या है। तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा आएगा तो प्लस का मतलब वो अपने तरफ कॉस ही में ही कन्वर्ट होगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टैन थीटा बाई 2, क्या डीवाई बाई डीएक्स का आंसर है। बच्चों समझ में आया, इसमें भी कुछ नहीं था लेकिन थोड़ा सा कुछ था इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बच्चों एक एग्जांपल का क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई 2, मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा होगा, है नहीं, ठीक है ना, हम लोग आराम से करेंगे, घबराएंगे नहीं। एंड वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो जैसा जो प्रोसीजर बताते आया वही फॉलो करो, पैरामेट्रिक फंक्शन आराम से पहले क्या निकालोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे ना, हर जगह थीटा है तो यहाँ से आप निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। वो कैसे निकलेगा, ए को आप ऐसे ही रहने दो, क्यों, क्योंकि ए आपका है कॉन्स्टेंट, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, यहाँ बच्चा समझने वाला है प्लस, पहले तो पूरा इसको लॉग एक्स की तरह देखो, टेन थीटा बाई 2 सब भूल जाओ, इसको पूरे को समझो लॉग और एक्स, इसके सामने जो भी है वो लॉग के समझो वैल्यू दी रखी है। तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1/10 θ/2 हो गया, ऑलराइट। चलिए और अब आपको टेन थीटा बाई 2 का भी तो करना पड़ेगा, तो टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। एक चीज और, इस थीटा बाई 2 का भी तो करोगे, तो थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि थीटा का तो हो जाएगा 1, तो इस 1/2 को यहां से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा बड़ा होगा, परेशान मत होना। तो डी एक्स बाई डी थीटा हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये हो गया ए, यहां बचा माइनस साइन थीटा, रहन दो, कटने की कुछ कोशिश होगा तो कर लेंगे हम लोग ऐसा कुछ। ये हो गया 1/2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 sec स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन tan थीटा बाई 2, ठीक है, ये सिंपल हो गया थोड़ा सा। क्या हम sec स्क्वायर थीटा को tan के फॉर्म में लिख दें, तो स्क्वायर चाहिए तो कटेगा नहीं, क्या रहने देते हैं ऐसे ही, देखते हैं बाद में। इसको डिफ्रेंशिएट करिए आप, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, dy बाई डी थीटा निकालिए, तो जब आप dy बाई डी थीटा निकालेंगे, a sin थीटा का क्या हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा, सिंपल सा, ये आपका आ गया, ये आप देखो बच्चों, अब आप यहाँ से एक थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप सिंपल सा एक काम करो, ए को तो ऐसे ही रहने दो, फिर अंदर क्या करो, माइनस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 को अपॉन में लिखेगा तो क्या हो जाएगा, 1/cos²θ/2, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको अलग ही रखिए, ये हो गया 1/cos²θ/2, ठीक है ना, इंटू टेन थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2 को आप चाहो तो यहाँ से sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 लिख सकते थे, तो लिख ले इसको, आप लिखिए sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2। फायदा ये हुआ बता रहा हूँ, एक cos थीटा बाई 2 से cos थीटा बाई 2 कटा, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक सिंप्लीफाई होके मिलेगा, a माइनस sin थीटा प्लस, अब देखो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 क्या हो गया, फिर से लिख दे रहा हूँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, 2 पहले मैं इसको लिख रहा हूँ साइन थीटा बाई 2 इंटू ये कॉस, अब कॉस स्क्वायर से कॉस कॉस कट गया ना, तो कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब बात समझो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा, अरे 2 sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ इंटू कॉस थीटा, वैसे ही हाफ एंगल है तो हाफ एंगल तो कंप्लीट एंगल में हो जाएगा, तो 2 ये हो जाएगा साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, तो सीधे सीधे ये साइन थीटा बन जाएगा, तो ये हो गया ए माइनस साइन थीटा प्लस 1/sin θ। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा ए, ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - sin²θ अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और 1 - sin²θ को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर है, ठीक है, छोड़ दो इसको यहाँ पे, यहाँ पे तो कर ही लिया आपने, dy बाई डी थीटा निकाले, सिंपल सा a cos थीटा हो गया। अब आपको क्या निकालना, अब इस स्पेस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, अब हमें निकालना एक्चुअली dy बाई डी एक्स, क्या निकालना हमें, dy बाई डी एक्स, ये क्या होगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना निकाला हमने, a cos थीटा,
अपॉन क्या होगा, ये a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, a cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये a से एक कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर साइन थीटा चला गया, साइन थीटा अपॉन एक cos थीटा बचा, क्या बचा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो सिंपल सा आ गया यार, dy by dx equals to क्या आ गया, सिंपल सा आ गया tan थीटा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप समझो पहले। आपको दे रखा है dy by dx equals to x a cos थीटा plus log tan थीटा by 2, ठीक है, एंड y equals to a sin थीटा, ऐसा दे रखा है आपको। सिंपल सा आपने क्या किया, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो आपने dx by d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हमने क्या किया यहां से कुछ किया जो भी, ये तो आपको पता ही है कि cos थीटा का माइनस sin थीटा हो गया, log x है तो log x का 1 upon x, तो x की जगह ये, और tan थीटा by 2 का sec square थीटा by 2, और थीटा by 2 का क्या हो गया 1 by 2, आप चेन रूल लगा दिए यहां पे। यहां समझना था इस sec square थीटा by 2 को हमने 1 upon cos square थीटा by 2 लिख लिया, और tan थीटा by 2 को sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2, ये कट गया, जब cos थीटा by 2 कट गया तो ये सिंपल हो गया, ये 2 sin थीटा का फॉर्मूला हो गया, sin 2 थीटा का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया और ये सिंपल हो गया। फिर इधर हमने dy by dx किया, और dy by dx क्या हो जाएगा, dy by d थीटा upon dx by d थीटा, फिर दोनों का हमने रेशियो निकाला, a कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा ऊपर चला गया, एंड sin थीटा upon cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन चलते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके एक्सरसाइज 5.6 का, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करते हैं इसको। इसमें आपको दिया है कि इफ x इक्वल्स टू a अंडर रूट a sin इनवर्स t एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट a cos इनवर्स t, ये दे रखा है, और आपको क्या प्रूफ करना है, देन शो दैट dy by dx इक्वल्स टू माइनस y by x। अभी तक आप सिंपली dy by dx अपने हिसाब से निकाल रहे थे, और यहां पे अब आपको प्रूफ करके ले आना है कि dy by dx जो होगा वो माइनस y अपन x ही आएगा। चलो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आराम से करते हैं इसको। पहले आप यहां से क्या करोगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। तो देखो अंडर रूट हटाने के लिए काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी। क्या किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। इसको भी साइमल्टेनियस करते चलते हैं चलो, और उसको यूज कर लेंगे बाद में। तो यहां से यहां पे हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर कर रहा हूं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। चलो अब इसको एक्स टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, और इसको भी टी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो पहले इसको कर लेते हैं, तो इसका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू, इसको देखो ध्यान से, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स कितना होता था, याद करो डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स होता था ए टू द पावर एक्स लॉग ए, ठीक है ना, ध्यान रखो। चलो तो ए टू द पावर एक्स का क्या हो गया, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, और फिर साइन इनवर्स टी का भी तो करोगे भाई, साइन इनवर्स टी का भी करोगे चेन रूल से, तो साइन इनवर्स टी का क्या हो जाएगा इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, क्लियर है। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो या सीधे डिवाइड कर लेंगे, नहीं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चलो। तो इसका हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू हो जाएगा 2x, इधर ले जाएंगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और ये अपॉन में 2x, तो 2x आप यहाँ पे लिख सकते हो इंटू लॉग, क्लियर है। थोड़ा आराम से लिखेंगे, काफी कुछ है, ए भी है, टी भी है, एक्स भी है, वाई भी है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो आराम से करेंगे। फिर दूसरे वाले को चेक करो, इसका हो जाएगा 2y dy by dt इक्वल्स टू, इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका a टू द पावर x का a टू द पावर x ही हो गया, मतलब cos इनवर्स t इंटू cos log a, फिर इंटू cos इनवर्स t का क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, आपको तो फॉर्मूला पता ही चल गया ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। चलो अब देखो थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई करो, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा इसका, आराम से लिखिए, माइनस पहले लिख लो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर लॉग ए, ठीक है, और ये 2y अपॉन में चला जाएगा, यहाँ पे लिख लो आप। क्लियर है कि नहीं? एकदम आराम से करते चलेंगे, टाइम देंगे, ऐसे क्वेश्चन में टाइम दिया जाता है, जो वैल्यूएबल क्वेश्चन है उसके लिए आराम से वैल्यू देना पड़ता है आपको, ठीक है ना। चलो अब सिंपल सा आपको क्या निकालना था, आपको dy by dx निकालना था, तो dy by dx निकालने का तरीका आप जानते ही हो, तो इधर से करते चलते हैं, ये वाला पोर्शन भी यूज़ कर लेंगे। तो आपको सिंपली dy by dx निकालना है, तो dy by dx क्या होता है, dy by dx होता है dy by dt upon dx by dt, क्लियर है। तो dy by dt कितना है, ये आराम से लिखेंगे हम, इसको कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, a टू द पावर है यहाँ पे, a टू द पावर cos इनवर्स t अपॉन 2y इन ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू लॉग a अपॉन पूरे का अपॉन, ठीक है, ये रखो dx by dt, ठीक है। तो dx by dt क्या हो जाएगा, a टू द पावर sin इनवर्स t अपॉन 2x अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था ध्यान रखना, इंटू लॉग ए। अब काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आपके लिए आसान हो जाएगा, देखो आराम से देखो। पहले तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से देखो क्या बचा, आपको मिला वाई, और तो एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्स अपन वाई, और माइनस भी है, नहीं थोड़ा एक स्टेप और आराम से लिखते हैं, चलो परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर क्या बचा, आपको बचा माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी अपॉन क्या बचा, केवल वाई, फिर अपॉन क्या बचा यहाँ पे, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अपॉन यहाँ क्या बचा, एक्स, ठीक है। अब ये ऑपोजिट हो जाएगा, इस पोर्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है, मैं सब समझाऊंगा, परेशान मत होना। अब इन टू में हो जाएगा तो x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा, ठीक है, और देखो कैसे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखोगे dy by dx equals to ये a to the power cos inverse t upon y माइनस में इन टू एक्स अपॉन ए टू द पावर साइन इनवर्स t, ठीक है। अब देखो अब आपको क्या लाना है, माइनस वाई ओपन एक्स, लेकिन अभी भी कुछ आया नहीं, तो क्या देखो, देखो एक चीज देखो, ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी को वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, ए टू द पावर, अगर वाई इक्वल टू ए टू द पावर अंडर रूट में है कॉस इनवर्स टी, तो अगर स्क्वायर करोगे तो ये वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी को आप क्या लिख सकते हो, सिंपल सा क्या लिख सकते हो, माइनस ये है इसका, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई है इन टू एक्स अपॉन, और वैसे ही ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो आराम से। अरे यहाँ पे है भी, क्या लिख सकते हो, क्या बता क्या रहा हूँ, यहाँ पे है ही, तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, तो फटाफट यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, एक वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया, तो सिंपली आपको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिल गया, माइनस वाई ऊपर बचेगा और एक एक्स नीचे बचेगा, यही आपको ले आना था। ध्यान से देखो बच्चों, फिर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं फिर से, पहले तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लिया, चलो अब क्वेश्चन करते हैं, फिर से समझते हैं। x इक्वल्स टू अंडर रूट में ये दे रखा था, y इक्वल्स टू अंडर रूट में ये दे रखा था, और आपसे पूछ रहा था कि शो दैट dy dx इक्वल्स टू माइनस y ओपन x, तो प्रूविंग में ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे क्या चाल चलनी है आपको, यहाँ पे थोड़ा चाल चलना पड़ता है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा मैंने क्या किया, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ताकि अंडर रूट से आप पाला छूट जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कैलकुलेशन है, फिर a टू द पावर x का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, फिर सिंपल सा किया और सब कुछ उधर भेज दिया, ठीक है, y का वैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, फिर आप सिंपल सा सब कुछ उधर भेज दिया, फिर आपको क्या करना था, dy by dx निकालना था, dy by dt अपन dx अपन dt कर दिया, फिर आपको dy by dt यहां से उठा के पुट कर दिया, कहां से ये, और dy by dx यहां dy by dx by dt, काफी कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ लाकर रख दिया, फिर ये लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट हो गया, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, मतलब काफ़ी कुछ कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन अपन टी स्क्वायर अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट में वन माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी अपन वाई अपॉन ए टू द पावर साइन इनवर्स टी अपन एक्स। सिंपल सा, जब दो बार फ्रैक्शन का डिवीजन दिया हो तो उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर देते हैं, वही किया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से इस कॉस इनवर्स टी की वैल्यू उठा लिया यहाँ से
वाई स्क्वायर, और यहाँ से उठा लिया साइन इनवर्स टी की वैल्यू, वो हो गया एक्स स्क्वायर, बस कैंसिल आउट हो गया, आपको माइनस वाई बाई एक्स मिल गया। ठीक है, चलो।